अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HP न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। राधिका चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर MS राधिका से आज हमने ख़ास मुलाकात की और इनके सोशल वर्क के बारे में मालूमात हासिल की। हमने सुना था कि MS राधिका एक ट्रस्ट चलाती है और बड़ी ही खामोशी से गरीब और मुस्तहिक लोगों को मदद फराहम करती है। अब इनका ख्याल है कि वह गरीब और मुस्तहिक लोगों के बच्चों की शादी करवाना चाहती है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, गर्ज ये है कि वो मुस्तहिक हो। आइए सुनते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात MS राधिका की ज़ुबानी। इसी तरह की मज़ीद ख़बरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ट्रस्ट एक है जो राधिका चैरिटेबल ट्रस्ट है। अभी तक बहुत तरफ से बहुत काम किए बस्ती में किए, कोविड टाइम पे रेमडिसिविर्स या जो भी रेशन है सब कुछ दिए, बहुत बस्ती में दिए। तो ये बाबा जी जो है हमारे, वो हमको आके अप्रोच हुए थे, ये मैडम आप इतना बड़ा इवेंट प्लानर है, आप क्यों नहीं करा सकते शादी ये सब लोगों का। तो मैंने बाबा जी को एक ही बोला कि सबका ये हक है बाबा जी, तो कराएंगे हम शादी, मगर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस जो भी है, थोड़ा 5-6 जने ऑलरेडी कपल्स रेडी है, और बढ़ा दीजिए, सबको एक ही बार अच्छा सा करा देंगे शादी, वो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि बहुत जने हैं जो घर पे है, जो लोअर पॉवर्टी लाइन में है, जो करा नहीं पा रहे बच्चों के लिए शादी, उनको उनके जैसा लोगों को कंपलसरी मेरा ट्रस्ट सपोर्ट करेगा। और मेरा भी क्या है ना, ये मेरा जो फैमिली है, ये बाबा जी है और मेरे दूसरे भी जो भी मेरे साथ चल रहे हैं 15 साल से, उनके ऊपर मेरा भरोसा है कि ये जो भी लेके आएंगे 100% जिसका बिल्कुल थोड़ा पैसा वाले नहीं है ना, ऐसा वालों को लेके आके मुझे बोलेंगे मैडम ये लोग को कराना है आपको, तो हम ज़रूर उन लोगों को सपोर्ट करेंगे। मगर मेरा क्या एक ही है कि ना, सब लोग एक ही है, ये ऐसा नहीं है कि मेरा हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सब लोगों को एक ही बार कराने से मुझे और खुशी मिलेगी। तो मेरा यही है कि मेरा ट्रस्ट सपोर्ट करेगा, मैं बहुत खुशी हूँ ये काम करने के लिए। तो ऐसा जो भी है तो डेफिनेटली मेरे ट्रस्ट को अप्रोच कर सकते। अगर किसी को भी शादी कराना है, जो मैंने बोला है कि जो भी गरीब लोग हैं, आप लोगों को अगर मेरे ट्रस्ट को अप्रोच होना है, तो ये मैं सोच रही हूँ कि 3rd वीक तक मैं डेडलाइन रखूँगी। इसके पहले जो भी आएंगे कंपलसरी हम उनको मिलके पूरा प्लानिंग करेंगे। अगर आपको मुझ तक पहुंचना है तो मेरे फ़ोन पे आप लोग फ़ोन कर सकते हैं, मेरा नंबर है 8978344955। फिर मैं बोल रही हूँ भैया, नंबर 8978344955। तो किसी को भी ये काम पे है तो प्लीज़ फ़ोन करिए, ऐसा फ़ोन करके मुझे तंग मत करो, मगर अगर ये है तो ज़रूर फ़ोन करके मेरे से बात कर सकते हैं। मैं फिर बोल रही हूँ 3rd वीक तक ही हम रुकेंगे, इसके पहले जो भी आएंगे उनको 100% मिलके ये शादी का पूरा प्लानिंग हम करेंगे।